जैसे कि आपकी फीमेल पार्टनर है वो आपके पेनिस को सक कर रही है, ठीक है, आपके पेनिस के साथ खेल रही है, छू रही है, अपने मुंह से उसको टच कर रही है, तो ये ओरल में आ गया। और आप भाई काफ़ी बार मैं ओरल के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मैम ओरल क्या होता है, ओरल कैसे करते हैं, ओरल मतलब आप हमेशा सेक्स वाली वीडियोज में ओरल के बारे में बात करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है ओरल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ओरल के बारे में नहीं पता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता ये वीडियो उनके लिए, ओरल करने का सही तरीका क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ओरल करते हैं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो अगर आप खुलकर बातें सुनना, खुलकर बातें करना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर होती है हर टॉपिक के बारे में खुलकर बात, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ ओरल क्या होता है। देखिए ओरल सेक्स परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है जो हमें सेक्स करने से पहले करना होता है हमारे पार्टनर्स के साथ, यानी कि आप फीमेल है या मेल है तो आप अपने पार्टनर के साथ ओरल परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ओरल हम करते हैं, ओरल का मतलब क्या होता है, हम हमारे मुंह से हम सेक्स को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम मुंह का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप जो अगर आप एक मेल हैं तो मेल अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ ओरल करना चाहते हैं तो आप अपने मुंह का यूज करके, जैसे आप उनकी वजाइना है उसको आप सक कर सकते हैं, अपने मुंह से अपने टंग से उसको छू सकते हैं, ठीक है, जगहों पर आप अपने मुंह का मतलब यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओरल सेक्स, ठीक है, मुंह से सेक्स करना, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो सेक्स करने से पहले यानी कि इंटरकोर्स करने से पहले ओरल परफॉर्मेंस करना पसंद करते हैं। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ओरल क्यों करते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग टाइप से सेक्स करना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इंटरकोर्स करना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो फोर प्ले के थ्रू करना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो ओरल सेक्स करना पसंद करते हैं, यानी कि ओरल करके ही वो अपने आप को ऑर्गेज्म तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि आपकी फीमेल पार्टनर है वो आपके पेनिस को सक कर रही है, ठीक है, आपके पेनिस के साथ खेल रही है, छू रही है, अपने मुँह से उसको टच कर रही है, तो ये ओरल में आ गया। और आप उसको मतलब जब वो ओरल मुंह से कर रही है तो उस दौरान ही आपने डिस्चार्ज हो गए आप, तो उसको हम मतलब आपने ओरल करते करते ही अपने आप को ऑर्गेज्म तक पहुंचा लिया, ठीक है, तो इसीलिए ओरल करते आपको सिर्फ ओरल करवाना पसंद है तो आप ओरल सेक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ओरल के साथ साथ जब उनका ओरल हो जाता है फिर वो इंटरकोर्स तक चले जाते हैं, मतलब सेक्स की तीनों परफॉर्मेंस वो कर लेते हैं, वो फोर प्ले भी कर लेते हैं, ओरल भी कर लेते हैं, इंटरकोर्स भी कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओरल करके ही ऑर्गेज्म को हासिल करना चाहते हैं, उसमें फीमेल भी आती है और मेल भी आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दूं, आप लोगों के मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिलते हैं कि मैम जब भी हम सेक्स परफॉर्म करने जाते हैं हमारे पार्टनर के साथ तो हमारा जो पेनिस है उसमें इतना इरेक्शन नहीं आता है जितना एक पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए होता है, साथ ही साथ हमारा जल्दी गिर जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं मिस्टर्स ब्रांड का बोल्ड फॉर मैन, ये कैप्सूल्स स्पेशली उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनको जल्दी गिरने की प्रॉब्लम है या फिर जिनको इरेक्शन सही से नहीं आता है, उतना हार्ड इरेक्शन नहीं आता है जितना एक पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए होता है। तो अगर आपको भी इरेक्शन प्रॉब्लम में जल्दी गिरने की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर इन कैप्सूल्स का यूज कर सकते हैं। एक दिन में दो कैप्सूल आपको यूज करने, एक बार मॉर्निंग में एक बार नाइट को आप इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं, अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, इरेक्शन प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, साथ ही साथ जिनको जल्दी गिरने की प्रॉब्लम है, जिनको इरेक्शन में प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं मिस्टर्स ब्रांड का इनेंस फॉर मैन इंटीमेट मॉइस्चराइजर क्रीम है ये, इस क्रीम से अगर आप अपने पेनिस की मसाज करते हैं तो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कम होती है, जल्दी गिरने की प्रॉब्लम कम होती है, साथ ही साथ अगर आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो इरेक्शन भी आपका धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। आपको इस क्रीम को मसाज करना है, टू टाइम आपको मसाज करना है मॉर्निंग में नाइट को, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपकी इन प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दूर कर देंगे, इरेक्शन की प्रॉब्लम दूर कर देंगे, साथ ही साथ जिनको टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम है, जिनका टाइमिंग वो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके लिए भी ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप इन प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कॉल करके आप इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे दिए तो वहाँ से भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि ओरल क्यों करते हैं। ओरल करते समय आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका जो जैसे अगर आप फीमेल एक फीमेल के साथ ओरल कर रहे हैं तो फीमेल की जो वजाइना है वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, और अगर आप एक मेल के साथ ओरल कर रही हैं तो मेल का जो पेनिस है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन करके रखिए आप। अगर आपको ओरल करना पसंद है, आपके पार्टनर को ओरल करना पसंद है तो हाइजीन मेंटेन करके रखना जरूरी है, मतलब उस चीज़ को क्लीन करके रखना जरूरी है, जैसे पेनिस है, वजाइना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके धोकर रखिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए अगर आप ओरल करने के शौकीन हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बताइए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।